आपकी सूचना पर पुलिस हमारी गई थी आपके गांव में, आप 12 बजे तक रही। सुल्तानपुर के शमशान में भारी पुलिस बल तैनात था। देखते ही देखते पूरा शमशान छावनी में तब्दील हो गया। कुछ देर में ही मौके पर सैकड़ों लोगों का हुजूम भी लग गया। असल में उस शमशान में एक कब्र को दोबारा खोदा जा रहा था, क्योंकि कब्र में सिर्फ एक लाश नहीं बल्कि कत्ल के राज भी दफन थे, जिन्हें खोद कर बाहर निकालना बेहद जरूरी हो गया था। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। करीब 5 दिनों के बाद आखिरकार दिव्यांश की कब्र को एक बार फिर खोद कर उसकी लाश बाहर निकाली गई और लाश को सील करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दरअसल दिव्यांश की लाश के साथ ही उसकी मौत का राज भी दफन हो गया था, जिसे बाहर लाकर कातिलों को पकड़ना बेहद जरूरी था। दरअसल ये मामला सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर थाना इलाके में मौजूद इसूर गांव का है, जहां रहने वाले दिनेश कुमार का 10 साल का बेटा दिव्यांश बीती 4 सितंबर की शाम करीब 6 बजे घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गया। परिवार ने बहुत तलाश किया लेकिन कोई फायदा हासिल ना हो सका। इसके बाद अगली ही सुबह करीब 5 बजे दिव्यांश की लाश गाँव के एक कुएं से बरामद की गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को लाश सौंप दी, लेकिन परिजनों ने लाश का अंतिम संस्कार न करते हुए लाश को टांडा बांदा हाईवे पर रख दिया और कार्रवाई की मांग करते हुए जाम लगा दिया। अभी जो है ग्राम पंचायत इसूर में जो विगत रात यानी शाम को 6:30 बजे बच्चा जो है घर से गायब हो गया था, और जिसके बाद जो है अभी 5:30 बजे सुबह जो बच्चे की लाश बरामद हुई थी कुएं में, और इसके बाद जो है पुलिस प्रशासन द्वारा बच्चे की लाश का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों द्वारा जो है लाश को यहाँ टांडा बांदा हाईवे पर जो सेमरी के पास चाणक विद्यालय के पास जो है रोड को जाम कर लिया गया है, और यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हुए। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, आप दिखाइए चारों तरफ किस प्रकार जो है यहाँ लगातार जो है भीड़ बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर जो है परिजनों की मांग है कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, और जिसके बाद जो है यहाँ से जो है इस लाश को यहाँ ये लोग हटाएंगे। कुछ देर में ही कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। करीब 2 घंटे के बाद मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच गए और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम खुलवाया गया। इसी के साथ प्रशासन ने लाश का अंतिम संस्कार भी करवा दिया, लेकिन इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार का आरोप है कि उनके बच्चे का कत्ल किया गया है, लिहाजा पोस्टमार्टम स्पेशल टीम के द्वारा कराई जाए। अरे भाई को इंसाफ चाहिए, पोस्टमार्टम जांच करें, हमारी कार्रवाई। बच्चा हमारा लाश घर गायब था, और सुबह उसकी बॉडी मिली, डेड बॉडी, वो भी कुएं में, कैसे मिली? फिर रात भर बच्चा कहाँ था? पुलिस जांच कर रही है ना, सब्र रखिए। पोस्टमार्टम बच्चा था तो फिर कुएं में कैसे उसकी डेड बॉडी मिली? इससे हल निकलेगा? हल नहीं निकलेगा, मुझे सीआईडी चाहिए। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद लाश को दफन तो कर दिया गया, लेकिन परिवार ने हार न मानी और आखिरकार डीएम के आदेश के बाद एक बार फिर कब्र खोदकर दिव्यांश की लाश को निकाला गया और दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिव्यांश की लाश को एक बार फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और दोबारा आने वाली रिपोर्ट से सारा मामला साफ होने की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस मामले में क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। यह खबर हमारे संवाददाता आलोक दुबे ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।